नमस्कार, मैं हूं नेहा अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं जनता टीवी। गोवा के मंत्री विजय सरदेसाई ने एक बेतुका बयान देते हुए उत्तर भारत के पर्यटकों को धरती पर गंदगी बताया। देखिए उस पर एक खास रिपोर्ट। भारत देश अपनी कला, संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। हर भारतीय जहां देश के हर रंग में अपनापन महसूस करता है, उसी देश के नेता ने देश की भावना और अखंडता को ठेस पहुंचाने की गुस्ताखी कर डाली। गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाई ने उत्तर भारतीय पर्यटकों को लेकर बड़ा विवादित बयान दे दिया। राज्य सरकार के मंत्री के मुताबिक घरेलू पर्यटक धरती पर गंदगी है। इसके साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उत्तर भारतीय गोवा को हरियाणा जैसा बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने गोवा में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। सरदेसाई कहते हैं कि दिल्ली, हरियाणा और गुरुग्राम से आने वालों की एक प्रवृत्ति है कि वो सब कुछ हड़पना चाहते हैं। गोवा में रहने का हमारा तरीका अलग है। 50 साल पहले हमने जंग लड़ी और महाराष्ट्र के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया था। आज गोवा की आबादी पर्यटकों के रूप में लगभग 6 गुना है। जो पर्यटक टॉप एंड टूरिस्ट नहीं, वो धरती पर गंदगी है। अगर आप हमारी तुलना भारत के अन्य हिस्सों से करते हैं तो यहाँ प्रति व्यक्ति की आय उच्च है और सामाजिक राजनीतिक तौर पर भी हम उन लोगों से बेहतर हैं जो यहाँ आ रहे हैं। ब्रिटिश जा चुके हैं और अब हम उत्तरी भारतीयों पर निर्भर है। वो गोवा को लेकर चिंतित नहीं है, वो गोवा में एक और हरियाणा बनाना चाहते हैं। सरदेसाई को हरियाणा से इतनी एलर्जी है कि वो जहां उत्तरी भारत पर्यटकों को भारी बाढ़ जैसा बता रहे हैं, तो वहीं गोवा को दूसरा गुरुग्राम नहीं बनने देने की बात भी कर रहे हैं और अपनी सरकार से विदेशी पर्यटकों और ऊपरी वर्ग के भारतीय पर्यटकों को गोवा के पर्यटन के लिए आकर्षित करने की बात कह रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि वो भी इस देश का ही हिस्सा है और इस देश के किसी भी मंत्री को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, सवाल उठे हैं गंदगी को लेकर और पूरे नॉर्दर्न रीजन पर जो है सवाल उठा दिए गए हैं। बीजेपी से राजीव जेटली हमारे साथ जुड़े हैं, इसी के साथ साथ न्यू रूम से मेरी सहयोगी पूजा यादव मेरे साथ जुड़ी है। सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे होगा, पूरे नॉर्दर्न रीजन पर ही सवाल उठा दिया गया है और ये कहा है कि हरियाणा नहीं बनने दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? हेलो जी राजीव जी, मेरा सवाल सुना आपने? राजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजीव जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। पूजा की तरफ रुक करते हैं। पूजा, पूरा सवाल ही उन्होंने पलट दिया, सवाल हरियाणा के ऊपर उठा दिया, नॉर्दर्न रीजन पे उन्होंने सवाल उठा दिया। कहीं ना कहीं अगर उनकी बात को देखा जाए तो सवाल ये था कि नॉर्दर्न रीजन के लोग चाहते हैं कि इसे भी हरियाणा बना दिया जाए, यानी कि गंदगी को लेकर निशाना था। और जब बात गंदगी की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात याद आती है, स्वच्छ भारत अभियान। जी देखिए, बिल्कुल, अगर मंत्री जी की बातों की बात करते हैं तो मंत्री जी को पहले तो शर्मिंदगी अपने आप में महसूस होनी चाहिए कि वो खुद इस देश का हिस्सा है। बिल्कुल, इस देश का हिस्सा होते हुए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में आपको शर्मिंदगी का एहसास कराने के लिए काफी है। खास बात यह है कि नेहा, पहले वो इस बात को कहते हैं, फिर जब सफाई देते हैं तो सफाई में भी वो ये कह रहे हैं कि गोवा का कल्चर क्योंकि अलग है, हम उत्तर भारत के लोगों से अलग है और ये दिल्ली के लोगों की, हरियाणा के लोगों की, गुरुग्राम के लोगों की प्रवृत्ति क्योंकि हड़पने की है और ये यहाँ पर भी हड़पना चाहते हैं। दरअसल ये जो वो बात कह रहे हैं ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। नेहा पूजा, अक्सर जब हम बात करते हैं अलग अलग रीजंस की, सबसे ज्यादा बात आती है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इसको एक नॉर्थ रीजन में बांट दिया जाता है और जो दक्षिणी राज्य होते हैं वो अलग से अपना रुख कर लेते हैं। मीडिया में भी हम ये चलन देख रहे हैं, लेकिन सवाल उठाना कहां तक सही है कि आप हड़पना चाहते हैं और जब गंदगी की बात आई तो बोल दिया कि हरियाणा बनाना चाहते हैं, ऐसा कहां तक सही है, कहां तक जायज है? देखिए, उनका ये बयान जो है वो तो बिल्कुल गैर जायज है, इसमें कोई जायज वाली बात ही नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो जिस तरह से उन्होंने हरियाणा का मुख्य तौर पर जिक्र कर दिया, पहली बात तो अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत अपने रंगों के लिए, अपनी अखंडता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन वो बकायदा कोट कर रहे हैं, वो ये जो हड़पने वाली बात कह रहे हैं, जरा ये उनकी खुद की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से आपकी मानसिकता बिल्कुल खराब हो चुकी है। आपकी तरफ से रुख करूंगी, रंजिता मेहता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। रंजिता जी, गोवा के एक मंत्री बयान देते हैं कि नॉर्दर्न के लोग जो हैं वो गोवा को आकर गंदा करते हैं, इसे हड़पना चाहते हैं और इसे हरियाणा बनाना चाहते हैं। जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। देखिए, गोवा में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। अब तक हरियाणा जो है वो गौरव के नाम से जाना जाता है, दूध दही के खाने से नाम से जाना जाता,
सजी व्यक्ति आई में नंबर वन के नाम से जाना जाता था और खेलों और खुशहाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर इस तरीके का बयान व्याधिक बयान इनके मंत्री देते हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। उनको इस बात के लिए माफी भी मांगनी चाहिए और जो ऊपर सेंटर के लोग बैठे हैं जहाँ पर इनकी कॉमन सरकार के अधिकारी बैठे हैं। रंजिता जी, इसका मतलब ये हुआ कि अब गोवा के लोग हरियाणा को गंदगी के तौर पर पहचाने, कहीं ना कहीं तो समझ में यही आ रहा है। मैं यही तो कह रही हूँ कि क्या उनको ऐसा क्या नजर आया है हरियाणा के अंदर, क्योंकि आजकल बलात्कार की घटनाएं यहाँ पे बढ़ रही हैं इस वजह से गंदगी का, या यहाँ पर गायें कट रही हैं जैसे कि गोवा में कटती हैं और वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। किस मुद्दे को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है मेरी समझ से परे, और इस चीज की हमें कड़ा एतराज है और इनको माफी भी मांगनी चाहिए और सेंटर के जितने भी मंत्री और अधिकारी हैं उनको इनके खिलाफ संज्ञान लेकर एक्शन भी लेना चाहिए और फौरन रूप से सस्पेंड करना चाहिए। किसी भी प्रदेश को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करना कभी भी सहनीय नहीं होता, और स्पेशली हरियाणा जो कि दिल्ली के साथ लगता एक खुशहाल जो प्रदेश के नाम से जाना जाता है उसको आप गंदगी कहेंगे? अगर आपको इतना ही वहम है तो आप वहाँ पे एंट्री बैन लगा दीजिए ना, तो हरियाणा का निवासी आप उसको वहाँ एंटर ना होने दीजिए अगर आपको इतना ही परहेज है। चलिए, राजनीतिक रंग से दिया जा रहा है बिल्कुल। पूजा, बात बार बार यही हो रही है और जब हम नेताओं से बात करते हैं तो हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाता है, इसलिए मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर। एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि नेताजी भी एक भारतीय हैं, आप भी एक भारतीय, मैं भी एक भारतीय हूं, एक भारतीय होने के नाते इस मुद्दे को किस तरह से उठाया जाना चाहिए था और किस तरह से उठाया गया? देखिए, अगर बात करते हैं गंदगी की, क्योंकि शुरुआत में आपने जिक्र किया था स्वच्छता अभियान का, पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, सिर्फ गोवा में ही गंदगी की बात जिस तरह से वो जोर दे रहे हैं पूरे देश के अंदर गंदगी का अंबार है। लेकिन हाँ, हम लोगों को सेल्फ इनिशिएटिव लेना होगा और यहाँ पर तो गोवा की अगर बात करें, राज्य सरकार को खुश होना चाहिए कि अगर आपके पास में लगभग 1.25 करोड़ के पर्यटक आ रहे हैं, वो अगर नॉर्थ इंडिया के हैं, वो दक्षिण इंडिया के हैं, वो कहाँ के हैं उससे मैटर नहीं, आपके पास पर्यटक आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी गवर्नमेंट की उससे इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि वहां पर ब्रिटिश आए, आप चाहते कि क्रीमी लेयर के लोग वहां पर आए, आप चाहते क्लास लोगों को लेकर वहां पर आए, वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जो मंत्री जो आपकी जगह जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उन्होंने कहा कि जो वो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसे तो उस पर भी आपत्ति है, क्योंकि वो बिल्कुल चाहते ही नहीं कि वहां पर नॉर्थ इंडिया के लोग आए, क्योंकि वो वहां पर आकर गंदगी का अंबार करते हैं और ऐसे में जो सिस्टम है गोवा का, वो गोवा की गवर्नमेंट का सिस्टम हिल जाता है और उसके लिए उनको और एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उनके जो एफर्ट्स रहते हैं वो पर्याप्त नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात यहां पर राजनीति से इतर होनी चाहिए थी। अगर आप सच में सफाई की बात करना चाहते हैं, गोवा को साफ रखना चाहते हैं, तो आप किसी और तरीके से बोल सकते थे, लेकिन नॉर्दर्न रीजन पर सवाल उठाकर और ये बोलकर कि आप उसे हरियाणा बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भारत के ही टुकड़े करने की कोशिश की, जो कतई सही नहीं है और कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में शनिवार तड़के जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने जम्मू शहर के सुंजवा स्थित सेना के एक शिविर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए जबकि 2 लोग घायल हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष ने मामले में रोहिंग्या का एंगल जोड़कर एक नई आतंकियों ने शनिवार तड़के एक बार फिर सेना के कैंप पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यह हमला सेना की टाइगर डिवीजन की सुंजवा ब्रिगेड पर किया गया। हमले के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के स्कूलों को बंद कर दिया गया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। हमले के बाद पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे पर अलग ही बहस छिड़ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर कविंदर गुप्ता ने इस आतंकी हमले के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। कविंदर गुप्ता ने कहा, मैं उस क्षेत्र में रहता हूं, वहां से शिकायतें आई हैं और सरकार ने भी ये बात स्वीकारी है कि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वे सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। मैंने एक लाइव वीडियो देखा, इसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी छत से आर्मी एरिया को देख सकता है जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। वहां ड्रग माफिया भी धंधा चला रहे हैं। पैसों की खातिर कुछ लोगों ने उन्हें रहने की जगह मुहैया कराई है। सरकार को इस बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि स्पीकर के इस बयान के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे माफी की मांग की। वहीं बीजेपी विधायकों ने सदन में पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवान आतंकियों को माकूल जवाब दे रहे हैं। आश्वस्त रहिए, हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। आपको बता दें कि 1 सप्ताह के अंदर सेना पर हुआ यह 5वां आतंकी हमला है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका पहले ही जता दी थी।
इसी के चलते 9 से 11 फरवरी तक रेड अलर्ट जारी किया गया था। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर अलर्ट होने के बावजूद ये हमला हुआ तो कैसे हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।